हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे SOL के लाइब्रेरी कोर्सेज एडमिशन 2024-25 सेशन के बारे में। दोस्तों, लाइब्रेरी फील्ड में अगर हम बात करें तो SOL में टोटल 3 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। आपका बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और एक आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम भी ऑफर किया जाता है। दोस्तों, अगर हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें लाइब्रेरी कोर्सेज के बाद, तो इसमें या तो आप एकेडमिक लेवल पर, कॉर्पोरेट लेवल पर या पब्लिक लेवल पर लाइब्रेरियन बन सकते हो, ठीक है। लाइब्रेरी के आप टीचर बन सकते हो स्कूल या यूनिवर्सिटी लेवल पर, या फिर आपको इन्फॉर्मेशन या किसी डाटा को किस तरीके से मैनेज करते हैं इसके आप एक्सपर्ट बन सकते हो। डिजिटली किस तरह से डाटा को मैनेज करा जाता है इसके आप एक्सपर्ट बन सकते हो। लाइब्रेरी का मतलब ये नहीं है कि भाई लाइब्रेरी कोर्स को करने के बाद सिर्फ लाइब्रेरी के अंदर ही हमारी जॉब लग सकती है। कोई भी ऐसी कंपनी जो डाटा मैनेज करती है वहाँ पर भी आप लोगों की जॉब लग सकती है। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लाइब्रेरी कोर्सेज करना काफ़ी अच्छा है अगर आप इस फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो। तो अब यहाँ पे एज यूजुअल मैंने आपको कोर्सेज बताए, 3 तरह के कोर्सेज ऑफर होते हैं। जो PG डिप्लोमा है इसमें आपका ऑटोमेटेड एंड डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, ये वाला प्रोग्राम ऑफर होता है। और ये तीनों ही प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है एक एक साल का ये प्रोग्राम रहता है। बात करते हैं दोस्तों इन प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जो BLISC का कोर्स है इसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। जो MLISC का कोर्स है इसके लिए आपको BLISC आपका कंप्लीट होना चाहिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो एग्रीगेट 50% मार्क्स, OBC EWS या PWD से हो तो 45%, और अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो BLISC में पासिंग मार्क्स हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जो PG डिप्लोमा वाला प्रोग्राम है इसके लिए आपको BLISC या फिर MLISC की डिग्री चाहिए। इन प्रोग्राम्स के फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो जो BLISC प्रोग्राम है टोटल फ़ीस 9,670 रुपये है, जिसमें आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस भी इंक्लूड है। जो MLISC वाला प्रोग्राम है इसकी टोटल फ़ीस 10,670 रुपये है, और जो PG डिप्लोमा वाला प्रोग्राम है इसकी फ़ीस 13,770 रुपये है। दोस्तों, जो डिसेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनकी फ़ीस कम लगेगी। उनकी अगर हम फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे द डिसेबल कैंडिडेट विल बी गिवन कंसेशन ऑफ 75% ऑफ द टोटल फ़ीस एज कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट, यानी कि जो भी फ़ीस बताई गई है उसमें 75% का डिस्काउंट मिलेगा डिसेबल कैंडिडेट को। इसके अलावा SOL में इस साल कुछ और कैटेगरी वाले बच्चों को फ़ीस में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसे ऑर्फन स्टूडेंट हैं अगर आप, तो 20 रुपये ही आपको पे करने होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आर्म फोर्स और सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्स के लिए भी कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। फुल फी वेवर है ट्रांसजेंडर स्टूडेंट के लिए, और जो SOL यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई हैं या जो SOL में जो लोग काम कर रहे हैं उनके वार्ड हैं यानी कि उनके स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी कुछ फ़ीस के अंदर रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए? जो लाइब्रेरी वाले कोर्सेज हैं इसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए 10th और 12th के मार्कशीट की, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए। प्रोविजनल या डिग्री में से कोई एक हो चल जाएगा, प्रोविजनल नहीं है तो प्लीज़ इशू करवा दीजिए अपने डिपार्टमेंट से। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर चाहिए। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी है तो उसका डॉक्यूमेंट चलेगा। अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी EWS या फिर OBC से आप बिलोंग करते हो तो आपका डॉक्यूमेंट 31 मार्च 2024 के बाद का चाहिए, उससे पहले का है तो आपकी वो पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं मानी जाएगी। जो MLISC में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके भी डॉक्यूमेंट बिल्कुल सेम ही हैं, बस उनको ग्रेजुएशन का भी जो मार्कशीट है वो BLISC का चाहिए होगा, बिकॉज एलिजिबिलिटी BLISC है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि BLISC जो है ग्रेजुएशन के बाद करा जाता है, तो MLISC करने के लिए ऑब्वियसली आपके पास ग्रेजुएशन भी होगी फिर BLISC भी होगी, ठीक है। ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं। और इसी तरीके से जो PG डिप्लोमा वाला प्रोग्राम है उसमें भी सेम ही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, कुछ ऐसे खास स्ट्रिक्ट या रिजिड डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि रिजर्व कैटेगरी अगर OBC और EWS है तो डॉक्यूमेंट 31 मार्च 2024 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए। दोस्तों, कुछ एग्जामिनेशन एक्टिविटीज़ की बात कर लेते हैं थोड़ी। देखिए, जितने भी प्रोग्राम हैं SOL में ये लाइब्रेरी के, इनके एग्ज़ाम सेंटर सिर्फ दिल्ली में होते हैं,
इनकी क्लासेस वगैरह सब कुछ दिल्ली के अंदर होगा। कोर्सेज के अंदर आपको कुछ कुछ सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल भी देखने को मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें दिल्ली में ही होंगी। आपका सवाल ये आएगा कि सर क्लासेस देना मैंडेटरी है? देखिए, कुछ कुछ सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लासेस लेना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा, तभी आप उसको समझोगे और प्रैक्टिकल कर पाओगे। वाइवा भी होता है कुछ कुछ सब्जेक्ट में, तो कुछ हद तक दिल्ली में तो आपको आना ही पड़ेगा ये सारी चीज़ें करने के लिए। और सारे प्रोग्राम 1 साल के हैं दोस्तों, और हर एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, तो उसे कंसेक्यूटिव सेकेंड सेमेस्टर के साथ वो पेपर आप दे सकते हो, ठीक है? अगर उसमें दोबारा फेल होगा या सेकेंड सेमेस्टर में फेल होगा, तो फिर 6 महीने बाद आप उसका जो पेपर है वो दे सकते हो और अपने डिग्री को, अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा थ्योरी पेपर जो आपका होता है, उसके अलावा दोस्तों एक इंटरनल असेसमेंट भी SOL में लिया जाता है। ये इंटरनल असेसमेंट कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है और कम्प्लीटली MCQ बेस्ड होता है। ये आप अपने होम टाउन या कहीं भी बैठकर दे सकते हो ऑनलाइन, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी थ्योरी पेपर और जो प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, उनके लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा। 30% वेटेज इंटरनल असेसमेंट का होता है और 70% वेटेज आपका टर्म एंड थ्योरी एग्जामिनेशन का होता है। स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज की अगर बात करें, तो एडमिशन के बाद आपको स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी दी जाएगी, जिसके लिए आपको SMS वगैरह भेजा जाएगा और आप SOL जाकर उसको कलेक्ट कर पाओगे। और अगर कुछ और स्टूडेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ की बात करें, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मुझे लगता है आपको बताना चाहिए, सिर्फ वही बताऊँगा। स्टडी मटेरियल की आपको फैसिलिटी मिलेगी, इसके अलावा कुछ लैब फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर हैं, आप कुछ लैब फैसिलिटीज़ भी अवेल कर सकते हो अगर कुछ चीज़ें आपको सीखनी है तो, क्योंकि उसमें कुछ आपका लैब वगैरह का भी वर्क रहेगा, कंप्यूटर पे प्रोजेक्ट वगैरह, तो वो चीज़ ज़रूरी हो जाती है। इसके अलावा लाइब्रेरी की फैसिलिटी दोस्तों SOL प्रोवाइड करता है, और लाइब्रेरी की जो फैसिलिटी है, इसमें आप लोग जो SOL कैंपस की लाइब्रेरी है वहाँ से बुक्स वगैरह इशू करवा सकते हो। वो सारी चीज़ें जब आपका एडमिशन होगा तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी किस तरीके से लाइब्रेरी की सारी चीज़ें चलती हैं। और फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम की मैं बात करना चाहूँगा। देखिए, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन के टाइम तो पूरी फीस देनी होगी। अब यहाँ पे SOL कुछ स्कीम निकालता है जिसमें वो फीस वेव करता है कुछ बच्चों को, जिसकी इनकम 4 लाख तक है उनको 100% तक की, पूरी 100% नहीं, और जिसकी 4 से 8 लाख तक की इनकम है उसको 50% तक की फ़ीस में डिस्काउंट देता है। ये फॉर्म बाद में निकलेगा, एडमिशन जब हो जाएगा उसके कुछ टाइम के बाद ऑनलाइन ये फॉर्म SOL निकालता है, जो आपको भरना होता है, और आपको कुछ लिमिटेड फ़ीस आपको वापसी मिल सकती है अगर आप इन कैटेगरीज में बिलोंग करते हो तो। इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट और कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती है। बाकी दोस्तों, इस प्रोस्पेक्टस में आप लोगों को पूरे कोर्स का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, तीनों प्रोग्राम का सिलेबस, डिटेल सिलेबस, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, ये आप ज़रूर से पढ़िएगा। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल आएगा, सर एडमिशन प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है जी। अब इसमें कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, इसमें अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंटेन कर रहे हो तो इट मीन्स आप एडमिशन ले सकते हो। पूरा फॉर्म भरना है और डायरेक्टली फीस जाएगी। सबसे बड़ा सवाल आपका पहले ये आएगा, सर मैं फाइनल ईयर में हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं? प्रोस्पेक्टस में इसके बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं है दोस्तों। पिछले साल अलाउ करा गया था फाइनल ईयर वाले बच्चों को, लेकिन इस साल क्लैरिटी नहीं है। तो एक तो मैं ये कहूँगा, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12 जून को, जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं वो थोड़ा सा इंतज़ार करें, इमीजिएटली फॉर्म ना भरें, समझ गए मेरी बात? तो थोड़ा सा इंतज़ार करें, मौका आप लोगों को दिया जाएगा। जब रिज़ल्ट आ जाएगा SOL का, उसके बाद भी ये फॉर्म चलते रहेंगे, आप तब फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी जहाँ तक एडमिशन प्रोसेस की मैं बात कर रहा था, पहले आपको सीधा फॉर्म भरना होगा और फॉर्म में पूरी फीस जाएगी। हो सकता है जिस टाइम पर आप फॉर्म भरो कुछ ग्लिचेस चल रहे हों पोर्टल पर, कुछ बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि सर मेरा कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आगे प्रोसीड नहीं हो रहा, तो वो ग्लिच है, वो कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा। चूँकि इसमें मेरिट लिस्ट का कोई चक्कर नहीं है, तो सीधा आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा, और जब भी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे या इमीजिएटली जो भी है, आपसे पूरी फीस ले ली जाएगी। और फीस जब आपसे ले ली जाएगी, आपके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ गई, इट मींस आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो गया, दैट्स इट। यही प्रोसेस है, इसमें कोई अगले स्टेप लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने 1 जून लिखा था, 2 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 में कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधा फॉर्म भरा जाएगा, सीधी फीस ली जाएगी, कोई मेरिट लिस्ट नहीं है। जस्ट आप क्राइटेरिया मेंटेन कर रहे हो BLISC के लिए ग्रेजुएशन, MLISC के लिए BLISC, और डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए BLISC या MLISC की डिग्री, तो आप इन प्रोग्राम्स को करने के लिए एलिजिबल हो। सीट्स की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ऑलराइट,
बाकी यही प्रोसेस है दोस्तों इन कोर्सेज का। फॉर्म कैसे भरना है उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हो और आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगेन आई वुड से कि जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा, अगर कोई वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आती है तो उसके थ्रू अप्लाई कर दीजिएगा, अदरवाइज आप लोग रिजल्ट जब आ जाएगा उसके बाद आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट, तो यही इन्फॉर्मेशन दोस्तों लाइब्रेरी कोर्सेज के बारे में मैं देने आया था। थैंक यू।